इस वक्त मौजूद है पश्चिमी दिल्ली की जोई गार्डन सीट पर, जहां पर हमारे साथ खास बातचीत करने में मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता सिद्धार्थ छिल्लर जी। इनसे हम बात करेंगे जोई गार्डन के विधानसभा के वार्डों को लेकर, कितना कुछ काम यहां पे हो चुका है निगम पार्षद के द्वारा, कितना काम नहीं हुआ है, और ऐसे कितने काम हैं जो भी होने हैं। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव के आने में अभी 8 से 10 महीने का समय बचा है। अब ऐसे में कितने काम होंगे जनता के लिए, वो इनसे सीधी बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैं जोई गार्डन विधानसभा के वार्डों की बात करूंगा, जिस वार्ड से आप आते पहले उसके बारे में बताएं आप। सबसे पहले जितने भी अपने श्रोता हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम। मैं रजौरी गार्डन विधानसभा में 06 वार्ड में रहता हूं, और यहीं से ही रजौरी गार्डन से बहुत समय से मैं जुड़कर लोगों की सेवा के लिए उपस्थित हूं, और जितना बन पा रहे हम कर रहे हैं जी। तो 06 वार्ड के क्या हालात हैं, किस तरीके के निगम पार्षद ने काम किया है? हमारे वार्ड जो एज पॉलिटिकल एनालिसिस में बताना चाहूँ आपको, तो सबसे अच्छे वार्डों में से एक है, जिसमें क्लस्टर कॉलोनी है हमारे पास, जे कॉलोनी है, पर उसके बावजूद हमारे यहाँ कंडीशन जो है बाकी वार्ड के हिसाब से बहुत अच्छी हैं जी। तो लगभग क्या लगता है कितने ऐसे कार्य यहाँ पे हुए हैं जो पहले कभी नहीं हो पाए थे? MCD आप जहाँ तक मैं बताना चाहूँ, सबसे करप्ट और भ्रष्टाचार इसको फैल बहुत उसकी जड़ों में फैल चुका है, और वही शायद हमारे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है हमें, कि जो सीनियर लीडरशिप है, मेयर हो गए या बाकी कोई हो गए, मैं किसी चीज़ की कोड नहीं करना चाहूँगा, पर वो इतनी ज़्यादा डिप्लिसिट में हो चुकी हैं चीज़ें कि अभी वो हालात सुधर ही नहीं सकते जी। और उसके लिए चेंज के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी लगातार काम कर रहे हैं, हमारे MCD के प्रभारी भाई दुर्गेश पाठक जी बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ और बहुत ही साथ जो एक्चुअल दिल्ली की जनता की प्रॉब्लम है MCD को लेके, उसको सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच आपस में ही राजनीति छिड़ी जाती है, एक दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है कि वो हमारा फंड नहीं दे रही है, इधर ये दिल्ली सरकार कहती है हमने फंड दे दिया पर MCD काम नहीं कर रही है। सबसे पहले हमारी जनता को और हम सबको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हो रही है। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पूरा फंड रिलीज करती है, MCD जब बजट पहुंच जाता है, फंड पहुंच जाता है, तो उसको ढंग से यूज़ नहीं कर रही, जहां यूज़ करना चाहिए वहां यूज़ कर नहीं रही। अपने जो भ्रष्टाचार उनके साथ हो रहा है, जो आपस में करना चाह रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पे उनका पूरा जोर है, और पैसे लेने का और पैसों की हेराफेरी की उनकी पुरानी आदत है। तो जब तक हम लोग इस चीज़ को MCD को, जैसे हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली विधानसभा से बीजेपी को और कांग्रेस को निकाल दिया, और उसके बाद लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हैं, और हमारे जो स्कूल्स हैं बहुत अच्छे हो गए हैं, स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। आप आज के टाइम में आप रजौरी गार्डन के किसी भी स्कूल में चले जाएं, आपके माध्यम से मैं जितने और अपोजिशन मान लीजिए या दूसरी पार्टी है उनको चैलेंज करता हूँ, आप हमारे किसी भी स्कूल में आइए और आप देखिए कि कितना अच्छा काम हो रहा है। और इसी भी पे हम कहते हैं कि अगर MCD के अंदर आम आदमी पार्टी आती है, तो MCD की जो स्कूल अभी ख़राब हैं, जो एक बुनियाद है, MCD के प्राइमरी स्कूल हैं, जिसमें 5 साल तक 6 साल तक हमारा बच्चा पढ़ता है, जो हमारी बुनियाद है, वही अगर कमज़ोर है अभी, तो कैसे हमारा जो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कैसे पनपेगा और किस तरीके से अच्छी तरीके आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है आम आदमी पार्टी जैसी जो स्ट्रॉन्ग पार्टी और अच्छी सोच की जो पार्टी है वो आए, और MCD के स्कूलों के अंदर, MCD के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करें, लेंटर माफिया ख़त्म करें, और जो माफिया MCD के अंदर चल रहे हैं वो ख़त्म हो। वैसे देखा जाता है कि जनता को जनरली ये नहीं पता कि विधायक के अंडर में क्या काम आता है और एक निगम पार्षद के अंडर में क्या काम आता है, तो जनता इससे गुमराह रहती है, वो काम लेके विधायक के पास जाती है जो विधायक के अंडर में आता नहीं है, और वो वाले काम लेके निगम पार्षद के पास जाती है जो निगम पार्षद नहीं कर सकता। आपकी बहुत सही इस चीज़ के ऊपर आपका प्रश्न है, और इस चीज़ को मैं पर्सनली भी बिहाफ पे इसको फेस कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने विधायक जनैल सिंह जी का जो कार्यालय था, एक्स जो हमारे यहाँ से MLA रहे हैं रजौरी गार्डन से, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उस कार्यालय को मैं 2.5 साल उनके साथ बैठ के एज उनका साथी बन के काम देखा है, तो मैंने बार बार फेस किया। उस टाइम यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद थे, और लोगों को पता ही नहीं होता कि छोटी गलियां किसके पास हैं, बड़ी गलियां किसके पास हैं,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो पाइप है वो किसके अंडर आएगा, दिल्ली जल बोर्ड का सीवर है वो किसके पास है, वो सब कुछ जानते हैं कि विधायक जी के पास होगा जी। पर ये नहीं पता कि एक्चुअल जो कूड़ा उठाने की जिम्मेवारी है वो एमसीडी की है, एक्चुअल जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या ड्रेनिंग सिस्टम है वो एमसीडी के पास है, लेंटर का या घर का बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो एमसीडी के पास है। तो ये सब चीज़ें हमें मतलब यूथ को, मेरा सबसे ज़्यादा मेरा मानना ये है, मैं खुद यूथ का पदाधिकारी हूँ, जब तक यूथ अवेयर नहीं होगा, जब तक यूथ करना नहीं चाहेगा अवेयर, तब तक ये शायद चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी। हम सबको मिलके अपने हर वर्ग के लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल कंडीशन है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि हम सबको इस चीज़ के ऊपर बहुत सोचना चाहिए कि हमारा काम, हमारा वोट देने का काम सिर्फ नालियाँ ठीक करवाना नहीं है, सिर्फ सड़कें बनवाना नहीं है, ये तो बेसिक काम है एक पार्षद का, वो करेगा इस चीज़ को। हमारा काम है एक नया बदलाव का, एक नए बदलाव की राजनीति को, जो हम राजनीति यहाँ पे सोच रहे थे, जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, उसको कायम करने का, साफ सुथरी राजनीति, जिस राजनीति के अंदर हर एक को समानता से अधिकार हो, बिना रिश्वत के काम हो, ऐसी राजनीति का बदलाव लाने का हमारी सोच है जी। आपने बदलाव की बात की है, अगर मैं बात करूँ आपके वार्ड को लेकर, अभी मैं देखा था जगह जगह पे कूड़े का मलबा डाला पड़ा है, कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आ रही, जनता बहुत परेशान है कि टाइम पे झाड़ू लगाने वाले नहीं आते हैं, पार्कों की हालत बड़ी गंदी पड़ी है। इस बात से एक दो कंप्लेंट हाँ ज़रूर हैं इस टाइप की कि कूड़े की गाड़ी नहीं है एक दो पर्टिकुलर एरिया में, बाकी वार्ड के अंदर हमने पूरी कोशिश करी है, हमारे पार्षद ने बहुत कोशिश करी है, और माननीय जो एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी, उनका फुल फोकस है हर एक एरिया और हर एक जोन के ऊपर कि किसी भी तरीके से ऐसी जो सुविधा जो एमसीडी की भ्रष्ट बीजेपी सरकार जो एमसीडी में बैठी है वो नहीं कर पा रही, वो हम कर लें, वो किसी तौर पर दिल्ली सरकार के तौर पर भी हम कर लें, हम अपने तरीके से करने की कोशिश रहती है। जहाँ तक रही पार्कों की सफाई का, तो मुझे लगता है कि अभी बारिशों का थोड़ा मौसम है, तो हो सकता है कि अभी इस दौरान आपको कहीं देखने को मिला हो, पर जहाँ तक मेरे को पता है हर चीज़ अंडर कंट्रोल है वार्ड 6 के अंदर, और जहाँ तक कंप्लेंट आती है हमारे पास तो हम उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, विद इन अगर हमारे हाथ की है तो विद इन 1 or 2 days, और अगर लगता है कि कहीं और अप्रोच करके बात करनी है तो उसमें जो सुटेबल टाइम सबसे जल्द से जल्द होता है उसमें करने की कोशिश रहती है। क्षेत्र के समस्याओं के समाधान की पहली सीढ़ी एक निगम पार्षद के हाथ में होती है, वो सबसे पहले निगम पार्षद के बजाते हैं, तो निगम पार्षद ने किस तरह का काम किया? क्षेत्र की निगम पार्षद बहुत ही अच्छी हैं और पढ़ी लिखी हैं, और जो वो कर सकती हैं अपने अंडर कंट्रोल में रहते हुए, क्योंकि एमसीडी के अंदर खिंचाव है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को बार बार लांछन लगाती रहती है, फिर उनका ये रहता है कि वार्ड जो पार्षद है उसको फंड नहीं मिलेगा, तो जो वो कर सके लोकल जो हमारा पार्षद है उन्होंने वो किया, और अब देखते हैं, बहुत बेहतर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आएगी तो हम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। अभी भी जनता काफ़ी नाराज है, वो कह रही है कि पार्षद जी ने इतना काम नहीं किया, काफ़ी बार उन्होंने उद्घाटन तो किया है पर उस उद्घाटन को सफल नहीं कर पाई। देखिए हमारा मानना तो है कि हमने सब कुछ किया, पर अगर क्षेत्र की जनता कह रही है और इस तरीके की कोई बातचीत है तो सबसे परे हमारे लिए जनता है, जनता जनार्दन है, जनता ने ही हमें वोट दे के जिताया था, तो जो नहीं हो पाया वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो हुआ है उसके लिए तो जनता पहले हम सब ने जो इतना मतलब अब तक जो सुधार हुआ, कुछ रोड्स ऐसे थे जो अब बने हैं, कुछ वॉल्स ऐसी हैं जो 15 साल में नहीं बनी थी वो अब बनी हैं, तो ऐसे काम क्षेत्र की पार्षद ने करा, और जो अब नहीं हो पाया वो हम करेंगे जी। और क्षेत्र की जनता है तो उनका हमारे मन में पूरा सम्मान है, और हम अपना जितना बन पड़ेगा उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे जी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी हम सिद्धार्थ चिल्ले से खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, सभी को किस तरह शुभकामनाएं देते हैं, स्वतंत्रता दिवस क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज़ादी मिलना और आज़ादी से जीना, ये सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंस की बात है जो हमारे संविधान ने हमें सिखाई, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें सिखाई। तो अब मेरा मानना ये है और मेरा पर्सनल इस पे पॉइंट ये है कि मैं एडवोकेसी लॉ पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा, अभी मैं LLM कर रहा हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कुछ दिया है हमें, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद थी आज़ादी, और आज़ादी के सबसे बड़े जो हमारे गुरु हमारे भगवान माने जाएं वो शहीद सरदार भगत सिंह जी हैं, उनको सलाम है, उनके जितनी बार हम नमन कर पाएँ उतना कम है, और उनकी शहादत को लेके हम यूथ
आज भी हमारे खून के अंदर जब भी उनका नाम लेते हैं तो उबाल आता है। वो जो करके गए उन्होंने हमें गोरों से छुटकारा दिलवा दिया, उनकी जो खराब पॉलिसी से उनसे छुटकारा दिलवा दिया। अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम खराब राजनीति से उन्हें उभार के निकालें, खराब जो सिस्टम हो चुका है उससे उसे बाहर निकालें। और इसी के साथ मैं अपनी क्षेत्र की जो जनता है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये इंश्योर कराता हूं कि जब तक एडवोकेट सिद्धार्थ छिल्लर और हम सब जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, दुर्गेश पाठक जी, हमारे सांसद जी, जितने भी हम आम आदमी पार्टी की जो टीम है, आम आदमी पार्टी की जो फैमिली है, एक संस्था है, पार्टी है, जब तक हम हैं हम किसी भी तौर पर किसी भी दिल्ली की जनता के साथ दोहरा बिहेव नहीं होने देंगे, किसी भी तरीके से उन्हें तंग नहीं होने देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल और कहूंगा, जिस तरह टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारतीय खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिन्होंने एक स्वतंत्रता दिवस मनाने का एक रंगीन बढ़िया तरीके से तोहफा दिया है कि इसको अच्छे तरीके से बनाए, खुशी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कल भी देख रहा था और मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ इस चीज़ को लेके और बहुत गदगद हो उठता हूँ जब ऐसी चीज़ देखते हैं कि हमारा यूथ हमारे ओलंपिक्स में जो मेडल्स आ रहे हैं, देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान का, गर्व का मौका है और इसने चार चांद लगा दिए हैं हमारे आज़ादी पे 15 अगस्त के मौके पे।